हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है अपने रिसर्च वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले जो बेसिक, जिसको हम प्योर और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च के दो पार्ट होते हैं, इवैल्यूएशन और एक्शन रिसर्च, ये हमने किया हुआ है। इवैल्यूएशन करना बाकी है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया। आज के वीडियो में हम जो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च करने जा रहे हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है। ठीक, तो ये जो है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में ही आता है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो। डिस्क्रिप्टिव में ही हमारा जो है कोरिलेशनल और काजल और एक्स पोस्ट फैक्टो आते हैं। ठीक, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना एक्स पोस्ट फैक्टो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि एक्स पोस्ट फैक्टो को जो है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो को। उसकी वजह ये है कि ये जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह ही एकदम सिमिलर होता है। बस इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और हमारा जो है वेरिएबल के ऊपर जो है कंट्रोल पूरा होता है, रैंडमाइजेशन होता है जो हमारा इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो में नहीं होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो में जो इंसिडेंट्स हो चुके होते हैं हम उसके बारे में बताते हैं कि क्या है और क्या था। ठीक, क्या है और क्या था ये हम बताते हैं और जैसे है बिल्कुल वैसे ही बताते हैं, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई वेरिएशन नहीं कर सकते। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इसलिए इसको जो है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं और हम एक्स पोस्ट फैक्टो अब स्टार्ट करते हैं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो को जो है कि व्हाट इज और व्हाट वाज भी हम देखते हैं कि क्या था और क्या है ये इसमें देखते हैं। उसके साथ जो है यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स के ऊपर, यानी कि वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। और ये जो इसमें सर्वे मेथड भी इंक्लूड करते हैं, इसके साथ कंपैरेटिव कोरिलेशनल आता है। ठीक, तो इसमें जो है हम एग्जाम्पल किस तरीके का लेते हैं, जैसे कि एजुकेशनल वेरिएबल, जैसे कुछ अचीव करना है, जैसे कि आपने ये देखा कि स्टूडेंट के मार्क्स को बढ़ाने के लिए, उनके लेवल को बढ़ाने के लिए उन्होंने डायग्नोसिस किया कि क्या प्रॉब्लम है, यानी कि उन्होंने इंटरव्यू कराए या कुछ ये कराए जिससे उनके जो है रिजल्ट बेहतर हो। तो इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं कि जो है डायग्नोस कि उन्होंने जो है कि एग्जाम्पल मैं आगे आपको बताऊंगी अच्छे से जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी कि किस तरीके से कि बच्चों को जो है कि रिजल्ट बेहतर हो उसके लिए इन्होंने ये इंटरव्यू कंडक्ट कराए, ये वर्कशॉप कराई जिससे उनकी अचीवमेंट अच्छी हो। ये एक तरह की अचीवमेंट है। इसमें जो है एक्स पोस्ट फैक्टो ये आपको देखने में लगेगा कि एक्सपेरिमेंटल है। एग्जाम्पल आप देखेंगे ना तो आपको देखने में लगेगा कि वो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल होता नहीं है, वो एक्स पोस्ट फैक्टो होता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अचीवमेंट से रिलेटेड होती है बच्चों के, और डिलिक्वेंसी यानी कि जैसे कि अगर बच्चे की कोई बच्चा है जिसने क्राइम किया हुआ है तो हम उसके पहले वाली चीज़ें देखते हैं कि जैसे कि अगर हम उसके रीजन को देखते हैं। कोई भी रिसर्च दो टाइप का होता है, रेट्रो प्रस्पेक्टिव और प्रस्पेक्टिव यानी फ्यूचर प्रस्पेक्टिव। ठीक, तो जो फ्यूचर प्रस्पेक्टिव होता है उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि ये जो इंसिडेंस हो गया है उसके बाद फ्यूचर में इसका क्या इम्पोर्टेंस है या फ्यूचर में जो है क्या हो सकता है, इसमें कोई चेंजेस करके अगर हम इसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो ये फ्यूचर में क्या होगा। जैसे अगर आज के टाइम में कोरोना है तो कोरोना में हमने वैक्सीन लगाई। ठीक, अगर कोई जैसे चाइना ही है उसी जो है उसके वेरिएंट में उसने कुछ चेंजेस ला दिए और या कोई और है जो कुछ चेंजेस ला के देखना चाहता है कि आखिर क्या हो सकता है, तो उस कोरोना के जो उसके वेरिएंट है उसमें चेंजेस ला करके देखेगा कि क्या और हो सकता है, यानी और कौन सी डेंजरस बीमारी हो सकती है उससे रिलेट। तो ये जो है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि ये फ्यूचर प्रस्पेक्टिव में आ जाएगा। ठीक, और रेट्रो प्रस्पेक्टिव में जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना क्यों हुआ उसके पीछे के रीजन को जानना, ये भी हमारा रेट्रो प्रस्पेक्टिव एक्स पोस्ट फैक्टो में आता है। ठीक,
तो ये हमारा जो है दो टाइप का हो गया। तो ये जो दो टाइप हैं, एक जो है कि एक पोस्ट फैक्टर में कि पीछे क्यों हुआ ये और इसके पीछे क्या कारण था, ये भी हम देखते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पे एक्सपोज फैक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट ये रेट्रो वाला देखते हैं कि क्या है और क्यों जो है कि रीजन क्या था। ठीक, तो इससे आगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। द एक्सपोज फैक्टर रिसर्च इज अ काइंड ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर प्रिडिक्ट द पॉसिबल कॉजेज बिहाइंड एन इफेक्ट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसके पीछे के पॉसिबल कारण क्या है, रीजन क्या है, उसको जो है रिसर्चर प्रिडिक्ट करता है उस जो है सिचुएशन की स्टडी करके। फॉर एग्जांपल इफ़ अ चाइल्ड इज जो है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो है कर रहा है, एक बच्चा या इन्वॉल्व है उसमें, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे की रीजन को जानने के लिए हम उसके जो है बैकग्राउंड को जानेंगे कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, उसकी स्कूलिंग कैसी रही या उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से वो इस तरफ गया। ठीक, तो इस रीजन को जानने के लिए हमारा जो है ये एक्सपोज्ड फैक्टर में हम पॉसिबल रीजन जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एन एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च कैन बी डिफाइन एज एम्पिरिकली बेस्ड इन्वेस्टिगेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व द रिसर्चर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको क्या कहा कि एक्सपोज्ड फैक्टर जो है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होता है, क्योंकि इसमें हम जो है एम्पिरिकली यानी कि हम खुद जा करके वहाँ ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन को, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व मतलब इन्वॉल्व इन द सेंस आप कह सकते हैं कि हम उसको जो है ऑब्जर्व करके देखते हैं, क्योंकि इन्वॉल्व तो आपका प्रेजेंट में होगा। ठीक, और वो इंसिडेंस हो चुका होता है, तो इसमें हम जो है कि देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं, उसके बाद हम जो है वहाँ से उसके जो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम वो उसकी जो है अपना रिपोर्ट बनाते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके ऊपर हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते, अगर हमारा डायरेक्टली कंट्रोल होगा तो वो जो है एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके जो है उसमें जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखेंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यही दोनों में डिफरेंस है जो मैं आगे कराऊंगी आगे आने वाली वीडियो में, कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या, इंडिपेंडेंट में और एक्सपोज फैक्टर एक्सपेरिमेंटल में क्या है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे ये कंट्रोल होते हैं, यानी कि उस पर कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, और ये जो है ऑलरेडी इंसिडेंट्स हो चुके होते हैं, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, जैसे का तैसा होता है। द कंक्लूजन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल आर इन्फर्ड, यानी कि जैसा होता है वैसा ही दिखाते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या डिपेंडेंट, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड इट इज़ अ स्टडी दैट अटेम्प्ट टू डिस्कवर द प्री एग्जिस्टिंग कॉजल कंडीशन बिटवीन ग्रुप। मैंने आपको ये भी बोला कि डिस्क्रिप्टिव में हमारा कॉजल और कोरिलेशनल भी आता है, तो इसमें देखिए आपको ये बता दिया, ये तीनों चारों एक दूसरे को रिलेटेड करते हैं कि यहाँ पे जो है कॉजल कंडीशन यानी कि एक दूसरे का कॉज, क्योंकि क्यों हुआ कारण हम जो है देखते हैं, तो कॉज हम यहाँ पे देखते हैं, तो कॉजल कंडीशन हम यहाँ पे चेक करते हैं, और जो कि पहले हो चुका है प्री ऑकर या प्री एग्जिस्टिंग। एक्सपोज्ड फैक्टर में जो है कि एक डेंजरस चीज़ ये होती है कि इसमें दो चीज़ें एक साथ होती हैं, वन इज़ द कॉज होती है, दूसरा जो होता है इफ़ेक्ट होता है, दूसरा जो है इंसिडेंस होता है, उसके पहले जो है एक जो है कॉज होता है। ठीक, अब हम जो है कंपैरेटिव रिसर्च को करते हैं। इट इज़ अनदर सर्वे टाइप ऑफ रिसर्च डिस्क्राइबिंग टू और मोर इंटिटीज ऑफ द सेम नेचर विच आर कंपेयर्ड एंड कंट्रेस्टेड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन प्री डिफाइंड पैरामीटर। यानी दो वेरिएबल्स को जो है हम जो है दो चीज़ों को, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो उनके हम जो है कि दो स्टूडेंट को देखते हैं कि वो किस तरीके से डिफरेंट है, यानी कि अगर हम उनके जो है ऑब्जेक्ट ले लें, मेंटल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, इससे तो उनको कंपेयर करके हम जो है जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे हम देखते हैं, तो उसका रिसर्च। ठीक, तो द अल्टीमेट एम इज़ टू कंपेयर कंट्रास्ट एंड डिजाइन एन आइडिया सिस्टम और प्लान हैविंग द बेस्ट अवेलेबल फीचर्स आफ्टर करेक्टिंग द शॉर्टकमिंग ऑफ अदर। यानी कि
इस कंपैरिजन का जो है कि सबसे अच्छा और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका फीचर ये है कि इससे इन दोनों की कमियों को जो है करेक्ट किया जा सकता है, जो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसका, ठीक। और ये कंपैरिजन जो है मोस्टली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। फॉर कंपैरिजन द टू एंटिटीज मस्ट बिलोंग द सेम क्लास है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन टू और मोर सिटीज, ये भी कर सकते हैं। नॉट मच पर्पज विल बी सर्व्ड बाय कंपेयरिंग अ पब्लिक विद एन एकेडमिक और इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी। या दो लोग जिनका जो है डिफरेंट जो है सेम ऑब्जेक्टिव पे हम जो है चेक करते हैं उसको जो है हम बोलते हैं कंपैरेटिव। और फिर हम डायग्नोस्टिक रिसर्च को बारे में पढ़ते हैं, तो डायग्नोस्टिक रिसर्च को आप जो है कि एक तरह से एक्शन रिसर्च बोल नहीं सकते, बट एक्शन रिसर्च की तरह ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक्शन रिसर्च में भी हम जो है प्रॉब्लम होता है उसका इमीडिएट हम सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट सैम्पल साइज पे होता है। डायग्नोस्टिक में हमें जो है कोई प्रॉब्लम होती है उसका हम जो है पहले देखते हैं कि फाइंड आउट करते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको जो है सॉल्व करते हैं यानी डायग्नोस्टिक करते हैं। तो ये एक तरीके से हो जाएगा, बट हम वही नाम नहीं दे सकते। इट इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग एस्पेक्ट ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल का मतलब जैसे कि मेडिकल में भी जैसे पहले बीमारी को फाइंड आउट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद जो है उसकी मेडिसिन देते हैं, उसी तरह ये दिया गया है। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट टिपिकल एंड सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। इट्स मेथड इंक्लूड स्क्रीनिंग टू अटेंड इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम, ठीक, कि जिनकी प्रॉब्लम को जो है आप इनसाइट अपने जो है अंतर्दृष्टि से देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेजेज, इमरजेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, डायग्नोस ऑफ इट्स रूट एंड काजेज यानी इसके कारण और उसके जो प्रॉब्लम जड़ों को फाइंड आउट करना, फार्मुलेशन ऑफ अ पॉसिबल वेज टू ट्रीट द प्रॉब्लम यानी ट्रीट करना यानी उसको सॉल्व करना, सजेस्टिंग अ पॉसिबल सॉल्यूशन यानी जो है हमारा उसका जो है रिजल्ट देना यानी कि उसको ठीक करना पॉजिटिव वे में। डाटा कलेक्शन इसका किस तरीके से होता है, केस हिस्ट्री या इंटरव्यू जो है कि क्लिनिकल है तो केस हिस्ट्री को देख के करेंगे, या उनके जो इंटरव्यू, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, इनफॉर्मल टेस्टिंग और फॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग से। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, इन एनालिटिकल रिसर्च ऑन द अदर हैंड द रिसर्चर हैज़ टू यूज फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दिस टू मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। यानी ये एक तरीके से जो है हिस्टोरिकल होता है, लेकिन हिस्टोरिकल में क्या होता है कि हम जो चीज़ें जैसी होती है वैसे ही दिखाते हैं, नैरेटिव करते हैं यानी उसको एक कहानी की तरह हम दिखा देते हैं। लेकिन एनालिटिकल में, एनालिटिकल में जो है कि हम वो चीज़ों को जो जैसे पहले हो चुका है वो होता है वो भी देखते हैं, और उनके फैक्ट फाइंडिंग जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम यूज करते हैं, उसके साथ एनालाइज करके उसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या इसमें गलती थी और क्या हो सकता था, ठीक। इस तरीके की चीज़ें जैसे कि आप इवैल्यूएशन करते थे तो कमी और अच्छाइयाँ ये दिखाते हैं ना, गुडनेस, और तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है इसमें जो है हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं, ठीक, किसी भी फेनोमेना को, और ये जो है डिडक्टिव इन नेचर होता है। इसके आगे जो है कि हम जब अप्रोच में पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, क्योंकि ये एक तरीके का अप्रोच है, ठीक, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक। तो अप्रोच में हम इसको पूरा डीपली पढ़ेंगे कि किस तरह ये क्वांटिटेटिव आता है और क्वालिटेटिव आता है, इसमें स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा, डिडक्टिव इंडक्टिव, मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों की बात कर रही हूँ, कैसे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर कैसे हमारा जनरलाइजेशन थ्योरी, कैसे इसमें जो है ये पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन ये जो है आगे के वीडियो में आपको मिलेंगी, ठीक। और क्वालिटेटिव रिसर्च भी यहाँ पे है, यहाँ पे हम एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में बोल लेते हैं। तो एम्पिरिकल रिसर्च भी हमारा जो है एक्सपेरिमेंटल ये के तरह ही होता है। एम्पिरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन एलोन, ऑप्टेन विदाउट ड्यू रिगार्ड फॉर सिस्टम एंड थ्योरी। इट इज़ डाटा बेस्ड रिसर्च कमिंग अप विथ कंक्लूजन विच आर कैपेबल ऑफ बींग वेरीफाइड बाई ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हम करते हैं इसलिए इसको हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च बोलते हैं। ये हमारे ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, और हम इसको एक जो है लॉ, एक सिस्टम, एक थ्योरी, आप सिस्टम और थ्योरी के अलावा अगर आप लॉ यूज करना चाहते हैं तो ये आप ये भी यूज कर सकते हैं, इस पर हम जो है करके करते हैं। इट इज़ अ डाटा बेस्ड रिसर्च कमिंग अप विथ कंक्लूजन,
यानी कि ये डाटा बेस्ड रिसर्च है जो कि कंक्लूजन है, जो है कि आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसके साथ हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद जो है उसका उसको जो है कि सॉल्व करेंगे, उसको जो है प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद जो है कंक्लूजन बनाएंगे। ठीक, तो ये इस तरीके का होता है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च। देखिए मैंने बोला ना, इन सच अ रिसर्च इट इज़ नेसेसरी टू गेट एट अ फैक्ट फर्स्ट हैंड। पहले फैक्ट जो है आपको कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके रिसोर्सेज होते हैं, फिर कहाँ से आपको जो है कि ये इंफॉर्मेशन जो है आपको मिली है, वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, मतलब आपको सब कुछ ऑथेंटिक चाहिए होता है। इन सच रिसर्च द रिसर्चर मस्ट फर्स्ट प्रोवाइड हिमसेल्फ विद अ वर्किंग हाइपोथेसिस और गेस एज टू द प्रोबेबल रिजल्ट। यानी कि रिसर्चर को अपने आप को डिसाइड करना होता है कि वो उसमें एज अ क्या काम करने वाला है, यानी कि जैसे कि रिसर्चर तो काम करता ही, उसके अलावा वो अपने आप का उसका इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए, जैसे कि बायसनेस है या बायसनेस नहीं, तो बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ही देन वर्क टू गेट इनफ फैक्ट डाटा टू प्रूव और डिसअप्रूव हिज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारा है, उसी में है, सच रिसर्च इज दस कैरेक्टराइज बाय द एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, रैंडमाइजेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, और वो अपने वेरिएबल पे जो है कंट्रोल करते हैं। यानी और अगर आपको एक क्वेश्चन पूछे कि रिसर्चर कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, अगर आपको दिया है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और आपको दे दिया क्वाजी, और आपको दे दिया इंट्रो, तो आप जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका जो है इफ़ेक्ट देखा जाता है। ठीक, और मैं आपको जो है कि किस तरह डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेक किया जाता है ये भी बताऊंगी। ये रिसर्च के टाइप करने के बाद मैं आपको इसके जो है रिसर्च से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, वहाँ पे हम सारी चीज़ें करेंगे। इम्पीरिकल रिसर्च इज अप्रोप्रिएट व्हेन प्रूफ इज सॉट दैट सर्टेन वेरिएबल अफेक्ट अदर वेरिएबल इन सम वे। ठीक, तो अब हम जो है कि कॉन्सेप्चुअल वे जो है कि कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच करेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज दैट रिलेट टू सम अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है थ्योरी। इट इज जनरली यूज बाय फिलोसोफर एंड थिंकर टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट और री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वर्क, जस्ट लाइक अ बेसिक और फंडामेंटल थ्योरी। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप कमेंट कर देते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच।